से पीने का कारोबार उलमा का साथ दो आओ सबके सब यहाँ उलमा का साथ दो आओ सबके सब यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व अहलि बैतिही اجمعين الى يوم الدين। اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما। وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا اخر الانبياء وانتم اخر الامم او كما قال عليه الصلاة والسلام। محترم ناظرین اکرام, تحفظ دین میڈیا کی جانب سے تحفظ ختم نبوت और रद्द क़ादियानियत के उन्वान से एक मुहिम शुरू की गई है ताकि अक़ीदे ख़त्म नबूवत को मुसलमानों को समझाया जाए और क़ादियानी फितने की संगीनी को उम्मत के सामने लाया जाए। दूसरे ये कि ख़ुद क़ादियानियों को गौर करने के लिए दावत दी जाए कि जिस चीज़ को तुम नजात का रास्ता समझ रहे हो वो नजात का रास्ता नहीं है, वो दुनिया में तुम्हारी ज़िल्लत और आखिरत में तुम्हारी बर्बादी का रास्ता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तहफ़ुज़ दीन मीडिया के ज़िम्मेदारों को, उसके कारकुनान को, जहाँ पर उन्होंने बहुत से दीनी खिदमात का बेड़ा उठाया है, वहीं पर उन्होंने अपने काम में तहफ़ुज़े ख़त्म नबूवत के इस मुहिम को भी शामिल कर लिया है। अल्लाह तबारक व ताला उनकी जुमला काविशों, कोशिशों, मेहनतों को कबूल फरमाए। और जिस नीयत से उन्होंने रद्द क़ादियानियत का बेड़ा उठाया है, परवरदिगार आलम
उन्हें उसके अंदर कामयाबी नसीब फरमाए। नाज़रीन इकराम, आज जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करूंगा वो ये है कि हम मुसलमान जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, कादियानियों को काफिर समझते हैं, काफिर कहते हैं और अपनी मौत तक काफिर कहते रहेंगे। ये कादियानी दुनिया में अपना तारुफ अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के नाम से कराते हैं। आम तौर पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन मुमालिक में ये लोग कादियानी की हैसियत से जाने और पहचाने जाते हैं, लेकिन दूसरे मुमालिक में ये लोग अपना तारुफ अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के नाम से करवाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इनको काफिर क्यों कहा जाता है। बहुत से अहबाब हमारे अपने मुसलमानों में ऐसे हैं जिन्हें उन्हें काफिर कहने पर एतराज़ होता है। एतराज़ की वजह ये है क्योंकि वो लोग कलमा पढ़ते हैं, इसीलिए इन लोगों को एतराज़ होता है कि साहब वो लोग कलमा पढ़ते हैं फिर आप लोग उनको काफिर क्यों कहते हैं, कि किसी कलमा गो को काफिर नहीं कहना चाहिए। और अक्सर लोगों का ख़याल ये है कि ये उलमा का तबका जिसे चाहे काफिर कह देता है, जिसे चाहे काफिर बना देते हैं, क्योंकि ये लिबरल जहन के जो अफराद होते हैं इनकी मालूमात भी सतही होती है, इनका इल्म भी सतही होता है और दीन इस्लाम से इनका ताल्लुक एक फॉर्मेलिटी का रहता है। ना इन्हें कुरान का सही इल्म होता है, ना हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, बस एक बराए नाम मुसलमान होते हैं। और उन सारे अफराद का ये लोग दिफा करने में लगे हुए रहते हैं जो हकीकत में मुसलमान तो नहीं होते लेकिन इस्लाम का नाम लेते हैं। उन्हीं में से एक ये कादियानी तबका है। अज़ीज़ाने गिरामी, उलमा किसी को काफिर बनाते नहीं हैं। आदमी काफिर बन जाता है अपने गलत अकाइद की वजह से, अपने गलत फिक्र की वजह से,
गलत नज़रियात को अपनाने की वजह से उलमा बनाते नहीं हैं, बताते हैं कि ये काफिर हो गया है। बनाने और बताने में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी मुसलमान हो उसे काफिर बनाया जाए? उलमा काफिर बनाते नहीं हैं, वो खुद काफिर हो जाता है अपने गलत अकायद और गलत नज़रियात की वजह से। तो उलमा बताते हैं कि ये अपने गलत अकायद की वजह से काफिर हो गया। अजीब बात है, जो काफिर बन जाता है लोग उसे समझाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एतराज उन लोगों पर करते हैं जो बताते हैं। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि एक आदमी ने चोरी की है, अब दूसरा आदमी बता रहा है कि इसने चोरी की है, तो यहां पर मुजरिम बताने वाले को कहा जा रहा है, करने वाले को नहीं कहा जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही ये हाल है। खैर, इस वक्त मैं सीधे सीधे मौजू पे आना चाहता हूं कि ये अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी यानी खादियानी को काफिर क्यों बताया जाता है, क्यों कहा जाता है कि ये लोग काफिर हैं, हालांकि ये लोग कलमा गो हैं, ये लोग कलमा पढ़ते हैं। यही कादियानियत का एक बहुत बड़ा हरबा है कि ये लोग कलमा पढ़ते हैं। आप इनके मैगजीन्स के ऊपर देखें तो फर्स्ट पेज पर ये लोग कलिमे तैयबा लिखते हैं। इनके वीकली और मंथली जो पेपर्स निकलते हैं उसमें कलमा लिखते हैं। इनकी इबादत गाहों पर कलिमे तैयबा लिखा हुआ होता है। गोया ये वाजे करना चाहते हैं कि हम तो कलमा गो हैं और हम मुसलमान हैं। लेकिन इस कलमे के लिखने और इस कलमे के पढ़ने के पीछे हकीकत कुछ और है। आप सवाल करेंगे कि साहब, ये हकीकत का पता आपको कैसे चला? उनकी किताबों में लिखा हुआ है। इसका तज़किरा उनकी किताबों में मौजूद है। अब वो लोग जो कादियानियों के मुसलमान होने का और कलमा गो होने का ढंडोरा पीटते हैं दुनिया में, उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है, ना कभी पढ़ने की जहमत करते हैं। सिर्फ उनकी जुबान से कलिमे तैयबा सुनकर उनके मुसलमान होने का और कलमा गो होने का ढंडोरा पीटते हैं। लेकिन इस हकीकत को जानने की कोशिश ही नहीं करते कि इनके कलमा पढ़ने के पीछे की हकीकत क्या है।
मेरे अजीज भाइयों और बुजुर्गों, मसला यहां से हमारा शुरू होता है कि सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बारे में उम्मते मुस्लिमा का इजमाई अकीदा है कि अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया में जितने नबी और रसूल भेजे हैं उनमें सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी रसूल सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बारे में हमारा ये अकीदा है कि आपके बाद कयामत तक अल्लाह तबारक व ताला किसी को नबी बनाकर नहीं भेजेगा। आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद किसी को नबी बनाकर नहीं भेजेगा। और ये अकीदा ऐसे ही हम लोगों ने घर नहीं लिया है, या हमसे पहले लोगों ने ये अकीदा खुद ब खुद बना नहीं लिया, ये खुद साख्ता अकीदा नहीं है। इस अकीदे की बुनियाद कुरान मजीद है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिर रसूल अल्लाही व खातमन नबीयीन व कान अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। इन अल्फाज में अल्लाह तबारक व ताला ने सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज इस्तेमाल फरमाया खातमुन नबीयीन, के आप आखिरी नबी हैं। इस आखिरी नबी होने की तशरीह करते हुए हम सब के आका सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने इरशादात के जरिए इसकी मजीद तशरीह की। जिसमें अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की 200 अहादीस मिलती है। 200 अहादीस मौजूद हैं जिसमें आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। आपके बाद कोई नबी कयामत तक अल्लाह तबारक व ताला किसी को नहीं बनाएगा। जैसे एक हदीस में हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अना आखिरुल अंबिया, मैं अंबिया के सिलसिले की आखिरी कड़ी हूं। व अंतुम आखिरुल उमम, और तुम आखिरी उम्मत हो। यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं होगी। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम के बाद से लेकर कयामत का सूर फूके जाने तक जितने इंसान इस दुनिया में पैदा होंगे वो सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहलाएंगे, चाहे वो आपको मानते हो या ना मानते हो।
मैं आखिरी नबी हूं, तुम आखिरी उम्मत हो। आखिरी उम्मत का क्या मतलब है? अगर कोई नबी आएगा तो उम्मत बनेगी, जब नबी आएगा ही नहीं तो उम्मत कैसे बनेगी? इन बातों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़ह तौर पर जिक्र फरमाया है। इस सिलसिले की 200 अहादीस मौजूद है। लेकिन ये अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी अपने आप को कहने वाला कादियानी जो तबका है, इनका कहना यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी नहीं है। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद भी इस दुनिया में नबी आ सकते हैं। कहीं उन्होंने लिखा कि हजारों नबी आ सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान करीम ने जो बयान किया कि हुजूर आखिरी नबी हैं, इसको वो लोग तस्लीम नहीं करते हैं। गोया कुरान करीम की आयत करीमा का सरीह तौर पर इनकार। और दुनिया के तमाम मुसलमानों का जो इजमाई अकीदा है कि सैयदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उस अकीदे के खिलाफ इनका अकीदा है। वो क्या है? हुजूर आखिरी नबी नहीं है। और हमारा अकीदा क्या है? हुजूर आखिरी नबी हैं। इन्होंने कुरान करीम की इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, इसको मानने से इनकार कर दिया। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 200 अहादीस का सरीह तौर पर इनकार कर दिया, या फिर उसका मतलब उन्होंने गलत लिया। गलत मतलब लेने का मतलब यही है कि इनकार कर दिया सही मतलब का। कुरान करीम की आयात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का इनकार करके इन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नामी एक शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी तस्लीम किया। अक्सर लोगों का ख्याल ये है, जो लोग थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं, जानते हैं, उन्हें ये पता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी एक झूठा नबी है। मेरे अजीज भाइयों, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सिर्फ एक झूठा नबी नहीं है, साथ में और भी बहुत कुछ है। अब आइए उस बात की तरफ जो लोग ये कहते हैं कि साहब वो तो कलमा पढ़ते हैं,
वो तो कलमा गो हैं, उनको काफिर कैसे कहते हैं? मैं उस बात को आपको समझाऊं। कादियानी हजरत ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को सिर्फ नबी ही तस्लीम नहीं किया है, बल्कि उनकी किताबों में ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को दो मर्तबा दुनिया में भेजने का वादा किया है। मुसलमानों ने कहीं ये पढ़ा कि हुजूर दोबारा भी दुनिया में आएंगे, लेकिन इन लोगों के पास ये नजरिया है कि अल्लाह तबारक व ताला हुजूर को दो मर्तबा मबऊस करेगा, दो मर्तबा भेजेगा। पहली मर्तबा हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में तशरीफ लाए, और उस वक्त में आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहलाते थे। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह नखले कुफ्र कुफ्र नबाशत। दूसरी मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अल्लाह ने मबऊस किया है तो वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में मबऊस किया है। यानी हुजूर दो मर्तबा मबऊस किए गए। पहली मर्तबा आप दुनिया में जाने और पहचाने गए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की शक्ल में, और दूसरी मर्तबा आप दुनिया में मुतारफ हुए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में। अब इन कादियानियों का कहना यह है कि पहले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे वही मोहम्मद रसूलुल्लाह दोबारा आए हैं। कोई नया नबी नहीं आया, खुद हुजूर दोबारा आए हैं। ऐसा कोई अकीदा है मुसलमानों के अंदर? कि हुजूर दोबारा तशरीफ लाएंगे? लेकिन इन लोगों के पास यह अकीदा पाया जाता है। कादियानियों का एक अखबार है अखबार अल फजल, उसके अंदर लिखा है अल्लाह ताला के नजदीक हजरत मसीह मौऊद यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का वजूद आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का ही वजूद है। यानी खुदा के दफ्तर में हजरत मसीह मौऊद यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आपस में कोई दोई या मुगायरत नहीं रखते। यानी दोनों अलग अलग नहीं है, दोई या मुगायरत नहीं रखते, यानी अलग अलग नहीं है। आगे लिखता है बल्कि एक ही शान, एक ही मर्तबा और एक ही मनसब और एक ही नाम रखते हैं। गोया लफ्जों में बावजूद दो होने के हकीकत में एक ही हैं। गोया ये लोग मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन को मोहम्मद रसूलुल्लाह समझते हैं।
एक दूसरी जगह पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बेटे मिर्जा बशीर अहमद एमए ने लिखा है, और ये बात कलिमतुल फसल नामी किताब के अंदर मौजूद है। उसने लिखा है कि हजरत मसीह मौऊद यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नाम, काम और मुकाम के एतबार से गोया आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वजूद हैं, और आप में और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जरा बराबर भी फर्क नहीं, सिवाय इसके कि मसीह मौऊद यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी शागिर्द और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद हैं, लेकिन ये फर्क नाम, काम और मकाम के एतबार से नहीं। यानी ये तो सब बराबर है, नाम, काम, मकाम सब हुजूर के बराबर है, बल्कि जरिया या हुसूल नबूवत के एतबार से ये फर्क है, लेकिन मकाम वही है। नऊज़ु बिल्लाह। गोया ये लोग मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कोई हुजूर के बाद आने वाला एक अलग नबी नहीं समझते हैं, हुजूर के बाद दावा करने वाला एक अलग नबी नहीं तसव्वुर करते, बल्कि इनका अकीदा ये है कि हुजूर ही दोबारा तशरीफ लाए हैं, दोबारा मबूस किए गए हैं। उसी अखबार कलिमतुल फसल में एक जगह पर लिखा है कि जब हुजूर पहली मर्तबा तशरीफ लाए थे तो आपका इनकार करने वाला काफिर कहलाता था, आपका इनकार कुफ्र था, तो वही हुजूर नऊज़ु बिल्लाह जब दोबारा तशरीफ लाए हैं तो अब अगर कोई हुजूर को नहीं मानता तो वो भी काफिर है। पहली मर्तबा जब आए थे तो आपका इनकार कुफ्र था, तो फिर जब हुजूर दोबारा तशरीफ लाए हैं तो फिर आपका इनकार कुफ्र क्यों नहीं? इसी बुनियाद पर, इसी फर्जी और ख्याली दुनिया में गुम होकर ये दुनिया भर में मारे मारे फिरने वाले कादियानी हम तमाम मुसलमानों को काफिर कहते हैं। ये लिबरल ज़हनियत के हामिल लोगों को ये पता नहीं है कि हम उन्हें काफिर कहते हैं इन दलाइल की बुनियाद पर, लेकिन ये हमें काफिर किस बुनियाद पर कहते हैं? सारी दुनिया के मुसलमानों को ये काफिर कहते हैं, उसकी वजह, उसकी वजह सुनिए। उनके अखबार ने लिखा है, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कुफ्र है तो हजरत मसीह मौऊद यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का इनकार भी कुफ्र होना चाहिए। क्यों? आगे लिखते हैं कि मसीह मौऊद यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग कोई चीज नहीं है, बल्कि वही है। क्या मतलब? मोहम्मद है। और मसीह मौऊद यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का मुनकिर काफिर नहीं है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकिर भी काफिर नहीं। क्यों? आगे लिखते हैं, क्योंकि ये किस तरह मुमकिन है कि पहली बेसत में आपका इनकार कुफ्र हो मगर दूसरी बेसत में जिसमें बकौल हजरत मसीह मौऊद यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आपकी रूहानियत अक्वा, अकमल, अशद है, आपका इनकार कुफ्र ना हो।
बात समझ में आ गई? अब बात को मैं समेटते हुए खत्म करना चाहता हूं, अब वो फर्क मैं बताना चाह रहा हूं कि इनके कलमा पढ़ने और हमारे कलमा पढ़ने में फर्क क्या है। हम जब कलमा पढ़ते हैं तो जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आता है तो उससे मुराद अब्दुल्ला के बेटे, आमिना के लाल, मक्के के वो दुर्रे यतीम, सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस मुराद है, जो इस वक्त में मदीने तय्यबा में गुम्बते कजरा के नीचे आराम फरमा रहे। लेकिन जब खादियानी कलमा पढ़ता है, अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी का कोई फर्द, कोई मर्द या औरत, कोई जवान या बूढ़ा जब कलमा पढ़ता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह पर वो उस मोहम्मद रसूलुल्लाह की जाते गिरामी को मुराद नहीं लेता है जो गुम्बते कजरा के नीचे आराम फरमा रहे हैं, बल्कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह पर बदनाम जमाना, बदबख्त लईन मिर्जा गुलाम अहमद खादियानी को मुराद लेता है। वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को मुराद नहीं लेता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मुराद लेता है। वजह क्या है? वजह ये है कि वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मोहम्मद समझते हैं। बेअसते सानिया का मजहर जानते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बेटे बशीर अहमद एमए ने यह बात लिखी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम कलमे में इसलिए रखा गया कि आप नबियों के सरताज और खातमुन नबीयीन हैं, और आपके नाम लेने से बाकी सब नबी खुद अंदर आ जाते हैं, हर एक का नाम अलहायदा लेने की जरूरत नहीं है। हां, हजरत मसीह मौऊद यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के आने से एक फर्क जरूर पैदा हो गया, और वो ये कि मिर्जा की बेअसत से पहले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में सिर्फ आपसे पहले गुजरे हुए अंबिया शामिल थे, मगर मसीह मौऊद यानी मिर्जा के बेअसत के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में एक और रसूल की ज्यादती हो गई। गर्द अब भी इस्लाम में दाखिल होने के लिए यही कलिमा है, सिर्फ फर्क इतना है कि हजरत मसीह मौऊद की आमद ने रसूलुल्लाह के मफहूम में एक रसूल की ज्यादती कर दी है। आगे उन्होंने, मिर्जा के बेटे ने एक और बात लिखी है। किसी कादियाने ने पूछा था कि क्या बात है कि हम तो गैर अहमदी यानी दुनिया भर के मुसलमानों को ये लोग गैर अहमदी कहते हैं, हम तो गैर अहमदी को काफिर समझते हैं, तो फिर हम लोग उन गैर अहमदियों का कलिमा क्यों पढ़ते हैं? जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी है तो फिर हमारा कलिमा कहाँ है? अलग से कलमा होना चाहिए, हम वो कलिमा क्यों पढ़ते हैं जो कलिमा
गैर अहमदी पढ़ते हैं तो उसका जवाब मिर्जा के बेटे ने कलिमतुल फसल में दिया है। लिखा है कि हमको नए कलिमे की जरूरत पेश नहीं आती क्योंकि हजरत मसीह मौऊद यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई अलग चीज नहीं है, यानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, कोई अलग नहीं है। आगे कहता है जैसा कि वो यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुद कहता था कि सारा वजूदी वजूदहू यानी मेरा वजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह का वजूद बन गया। आगे कहता है कि मिर्जा कहा करता था कि मन फर्रक बैनी व बैनल मुस्तफा फमा आरफनी वमा रानी यानी जिसने मुझको और मुस्तफा को अलग अलग समझा है। गौर कीजिए, मुझको और मुस्तफा को अलग अलग समझा है, उसने मुझे न पहचाना न देखा। और ये इसलिए कि अल्लाह ताला का वादा था कि वो एक दफा और खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस करेगा यानी हुजूर को दोबारा भेजेगा। ये वादा ना कुरान में है ना हदीस में है, लेकिन मिर्जा कहता है कि वादा किया अल्लाह ने, ना हजरत साहब इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन का ऐसा कोई अकीदा साबित है कि हुजूर के दोबारा मबूस किए जाने का वो अकीदा रखते हो। आगे मिर्जा के बेटे ने लिखा है मसीह मौऊद यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, नऊज़ु बिल्लाह, जो इशाअत इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए हैं, इसलिए हमको किसी नए कलिमे की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आता तो जरूरत पेश आती थी, जब खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह दोबारा तशरीफ लाए हैं तो कलमे में जरूरत क्या है। यह है वो फर्क हमारे कलमा पढ़ने में और अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद के कलमा पढ़ने में। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद गुम्बते कदरा में आराम फरमा रहे सैयदुना मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेते हैं और दुनिया भर में फैले हुए ये मुट्ठी भर कादियानी अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जब कलमा पढ़ते हैं तो वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मुराद लेते हैं। मोहम्मद से मुराद उनके नजदीक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। यह है वो धोखा, यह है वो फरेब जो खुद इनकी किताबों में लिखा हुआ है। अब ये ढंडोरा पीटने वाले लिबरल जहन के जो लोग हैं कि साहब कलमा गो को काफिर कह रहे हैं, कलमा गो को काफिर कह रहे हैं, काफिर बनाते हैं उलमा, हमको कोई काम नहीं है जो लोगों को काफिर बनाते बैठे। हम काफिर बनाते नहीं जनाब, काफिर को काफिर बताते हैं। बनाने और बताने में बहुत बड़ा फर्क है, उस फर्क को आप अपनी जिहालत की वजह से समझ नहीं पाते। पढ़िए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बेटे की किताबें, पढ़िए कभी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के घड़े हुए अकायद को कि इसने न सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की तौहीन की है,
अपने आप को न सिर्फ इसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बराबर दिखलाया और अपने आप को बतलाया है, बल्कि इस बदबख्त और कमीने ने तो खुदा होने का भी दावा किया है। कभी ये खुदा का बेटा होने का दावेदार है। इसलिए हम दुनिया भर में फैले हुए इन लिबरल जहन के कादियानियों के वकीलों से कहना चाहते हैं और खुद कादियानियों से कहना चाहते हैं कि आप अपने मजहब की किताबें पढ़िए। तासुब की ऐनक उतार कर पढ़िए, खाली उस जहन होकर पढ़िए, राह हक की तलाश में पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि आपने किसका ताज किसके सर पे रख दिया, किसका मनसब किसके हवाले किया। किसकी खूबियां किसमें ढूंढने लग गए। जिस दिन दुनिया का कोई भी अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी खाली उस जहन होकर मिर्जा की किताबें पढ़ेगा, मिर्जा के बेटों की किताबें पढ़ेगा, मैं नहीं समझता कि वो उसके बाद अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी में रहेगा। इसलिए ये वो बुनियादी फर्क है। इस फर्क को समझो। आपको समझ में ना आता हो हमसे राब्ता कीजिए, हम आपको उन किताबों का उन सफात का पता देंगे, रहनुमाई करेंगे जहां पर ये गिलाजतें लिखी हुई है, ये गंदगियां लिखी हुई है। इसलिए दुनिया भर में फैले हुए ये नाम निहाद लिबरल जहन के मुसलमान और कादियानियों के वकीलों से हम कहना चाहते हैं कि आप भी पढ़िए, आपको पता चलेगा कि कादियानियत क्या है, वरना खयामत के दिन आपकी ये वकालत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से महरूम करेगी और खुदा के गजब को भड़काएगी और खुदा और रसूल के सामने जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह ऐसी जिल्लत और ऐसी रुसवाई से हमारी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तहफ्फुज़ दीन का कारवां रवां दवां, उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहां, उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहां। मिर्ज़ाई शिकार है, विद्यती फरार है, दुश्मने फिका की तो चीख और पुकार है। ईमान को बचाने इसके लिए लाजमी तौर पर जो तदबीर इख्तियार करनी है आप और हमने, तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा जब खत्म नबूवत का मसला आता है तो शराबी भी अपने घर से निकल कर प्यार नहीं रस्म की खत्म। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ तहफ्फुज़ दीन मीडिया माशाल्लाह जहाँ दीगर मौजूआत पर काम कर रहा है उसमें तहफ्फुज़ दीन मीडिया सर्विस चैनल के जरिए दीन की इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं और उसी तहफ्फुज़ दीन मीडिया की जानिब से तहफ्फुज़ खत्म नबूवत और हर दौर के अंदर इस किस्म के फितने खड़े होते हैं। शकील बिन हनीफ का फितना खड़ा हुआ, कादियानियों का फितना खड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, आप खातिमुन नबीयीन हैं। ये जो और मुल्क भर में मशहूर तहफ्फुज़ दीन मीडिया सर्विस की जानिब से एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है रद्द का, तो जो अब मैं कहेगा नबुव्वत के हवाले से सीधे जहन्नम में जाएगा और वो इबलीस का चेहरा। दीन का काम करने का जाम रखते हैं लेकिन खत्म नबुव्वत के सिलसिले में कोई काम हमसे नहीं हो पा रहा है। मेरी ये तकरीर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खत्म नबुव्वत की हिफाजत जरूर करनी चाहिए।
पूरी ताकत से तहफ्फुज़े ख़त्म-ए-नबूवत, ख़त्म-ए-नबूवत के अकीदे की हिफाजत करना, इसके लिए प्रचार करना, प्रसार करना। तहफ्फुज़े दीन मीडिया सेंटर इस पर बड़ा काम कर रहा कि आप साथ दे ताकि इस तरह के झूठे मुद्दयाने नबूवत, तुम यह मत समझना अनवर शाह कश्मीरी के वारिस मर चुके हैं, तुम यह मत समझना कि अताउल्लाह शाह बुखारी के वारिस। ये फितने हमारे दीन और ईमान के लिए आजमाइश है, हमारे सही अकीदे और सच्चे नजरिए के लिए आजमाइश। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबूवत और रिसालत की चंदा। तहफ्फुज़े दीन मीडिया की जानिब से एक मुनफरिद सिलसिला ऑनलाइन खत्मे नबूवत अल्लाह की तरफ से हमारे नबी को एक एजाज है, इसके जरिए उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ।